So, good evening everyone. स्टार्ट start with your exercise 3.5. Guys, एक मिनट 3.5 शुरुआत करवाने से पहले आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू मुझे लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बताया था मुझे प्लीज बताना वो आपको समझा या नहीं समझा बिकॉज तुम लोगों ने डाउट नहीं पूछा तो मेरे माइंड में ऑलरेडी एक क्वेरी रह हुआ कि इनको ये पार्ट समझ में आया या नहीं आया ये कैसे आया ये समझा क्या ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ये कहाँ से आया था डियर लास्ट लेक्चर में ये चीजें अपन ने पढ़ी थी ये कहाँ से आया अरे बाबा हमें ही तो ये पता है कि e टू दावर पावर इन टू ई टू द पावर y होता है e टू पावर x प्लस वाई बट e टू पावर x प्लस वाई टू द्लस इ टू द पावर y ये कहां से होता है बोलो दिव्या आर्या येस बाकी बच्चे कहा से पता चला ये आपको डाउट ही आए आपके मुझे किसी ने डाउट ही नहीं, नहीं पूछा अरे बाबा e टू दर x है और नीचे e टू द पार माइनस वाई है ठीक है इ टू तो पावर माइनस वाई नहीं ई टू तो पावर वाई है तो ये क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा इस वाई को अगर आप ऊपर ले लोगे अच्छा ठीक है चलो माइनस वाई तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके ई टू तो पार एक्स माइनस ऑफ माइनस वाई मतलब ये हो जाएगा इ टू तो पर एक्स प्लस वाई अरे ये सर नो वो नीचे का जो पावर है नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके एक्स माइनस वाई हो जाएगा ये भी पता है आपको बट ये कहां से आया टेल मी द आंसर नहीं पता अप करो बोलो नहीं पता मैडम बोलो डाउट पूछना भूल गए नहीं पता ये देखो ये यहां से आया क्वेश्चन देखो जरा क्वेश्चन में दिया था E to the power $x एक्स प्लस टू ई टू तो $x plus y$ इसको हमने इक्वेशन नंबर वन लिया और इसी को ही हमने यहाँ पे पुट किया इसी के बदले में ही फ्रॉम इक्वेशन वन हमने ये चीज पुट की ये जो एक्सपेंशन किया है हमने क्वेश्चन को लेके किया है अभी समझ में आ रहा है ये सब से आया इसके बदले में ये कहाँ से लिख पा रहे हो बिकॉज क्वेश्चन में दिया था उसी को ही पुट किया और उससे क्वेश्चन को और थोड़ा सिंपलर बनाया गॉट इट डन क्वेश्चन से लिया है क्वेश्चन में दिया है वैसा उसी को इक्वेशन नंबर वन लिया और उसी को ही फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन आप यहां पे लिखोगे देखो को यहाँ पे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन वन दिस पार्ट ठीक है चलो जी लेट्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव सुनो ना थ्री पॉइंट फाइव को कुछ ये मत करो चलो ठीक है आ जाओ यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा यहाँ पे आपको x दिया है x एक्स दिया है और y दिया है मतलब ये दोनों वैल्यूज दिया है दी बोथ फंक्शन ऑफ t मतलब जो x है उसका वैल्यू f ऑफ x रहेगा कुछ और जो y है उसका वैल्यू फॉर एग्जाम्पल से g ऑफ x रहेगा मतलब जैसे मान लो पे पर एक्सक्वायर प्लस वन यहाँ पे है फोर एक्स ठीक है मतलब सॉरी फंक्शन ऑफ टी बोला है ठीक है अगर ये एक्स रहता था तो हम लोग ऐसे लिखते थे लेकिन यहाँ पे क्या बोला उन्होंने फंक्शन ऑफ टी तो मतलब इसके अंदर टी है टी है तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन फोर टी स्क्वायर ये समझ में आ रहा है एक्स की वैल्यू एफ ऑफ टी है और वाई की वैल्यू क्या है डियर एफ ऑफ टी है मतलब ये दोनों वैल्यूज एक्स और वाई की वैल्यूज टी के फॉर्म में दिया विद रिस्पेक्ट इट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टी डन इट इज अ फंक्शन ऑफ टी तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे अगर आपको x कोई भी एक इक्वेशन देता है t के फॉर्म में और y भी कोई भी एक इक्वेशन देता है t के फॉर्म में तो कैसे सॉल्व करोगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला टी स्क्वायेयर माइनस टू टी प्लस फाइव यहाँ पे बोला है अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायेयर प्लस वन कैसे सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली गई टी के फॉर्म में है तो हम लिखेंगे डीएक्स बाई डी टी यहां पर लिखेंगे डीवाई बाई डी टी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों की वैल्यूज निकालेंगे बट क्वेश्चन में तो निकालने बोला है डीवाई बाई डीएक्स आप लोगों को निकालना है डीवाई बाई डीएक्स आपके पास में है डीएक्स बाई डीटी डीवाई बाई डी टी अब आप क्या करोगे इसका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है इसको इक्वेशन नंबर लो इसका जो भी सॉल्यूशन आ रहा आपका डीवाई बाई डी टी अपॉन डीएक्स बाई डी टी ये डी टी डी टी कैंसिल क्या आप लोगों को आ गया डीवाई बाई डी टी डी बाई डीएक्स समझ में आया क्या करेंगे अब हम लोग आगे वाले एक्सरसाइज में क्या करेंगे x का वैल्यू दिया है x दिया है कुछ t के टर्म्स में y दिया है कुछ t के टर्म्स में कुछ मत करो दोनों को एज इट इज डी बाई डी टी डी बाई डी टी करके डिफ्रेंशिएट करेंगे ओके okay. अब बाद में अपन क्या करेंगे पता है डीवाई बाई डी एक्स निकालना है ना अपन को तो हम क्या करेंगे डीवाई बाई डी एक्स कितने निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन मतलब जो अपन ने वाई को जो डिफ्रेंशिएशन किया है उसको डिवाइडेड बाई डी एक्स को तो डी टी डी टी का आंसर हो जाएगा दिस विल बी कमिंग टू योर डीवाई बाई डी एक्स समझ में आया ये इस एक्सरसाइज में अपन क्या करने वाले हैं पक्का एवरीवन गाइस इवन इफ यू हैव नॉट अटेंडेड प्रीवियस लेक्चर यहां से आपको सब समझेगा ठीक है भले ही आपने पहले के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं यहां से आपको सारी चीजें समझने वाली है ठीक है ओके चलो तो आज हम अच्छा मुझे एक बात बताओ बट यहाँ पे कंडीशन भी होनी चाहिए कि ये जो डीएक्स बाई डी टी है वो तुम्हारा कभी भी इट शुड नॉट बी इक्वल टू योर जीरो मैडम क्यों क्योंकि वो अगर नीचे का जीरो आ गया डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो ये पूरा जो सॉल्यूशन है ये पूरा इन्फिनिटी आ जाएगा वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी तो आपको यहाँ पे जीरो नहीं चाहिए बस वही कंडीशन बोलोगे देखो डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डीएक्स बाई डी टी वे डीएक्स बाई डी टी मतलब दैट इज योर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो गॉट इट अंडरस्टेंड दिस कंसेप्ट ये कंसेप्ट समझा सभी को बोलो यस yes? बड़ू आगे ओके चलो अब फास्ट ट्रैक मोड पे सॉल्व करना है बच्चों वाले क्वेश्चन है पूरे लिटरली मतलब जैसे एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन वगैरह था ना ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है क्या बोला है एक्स क्या दिया है एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाईक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए टी टू ए टी डीएक्स बाय डी टी अब आप लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड ये वाला पार्ट आप लिखोगे ठीक है यहाँ पे मैं डी वाई बाई डी टी कर रही हूं ना ये हो जाएगा ए क्या है कॉन्स्टेंट ए बाहर निकालो डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्र क्या हो जाएगा ये यहाँ पे भी, यहा, भी, भी टी है यहाँ सॉरी यहाँ पे भी टी है यहाँ पे भी टी है क्या हो जाएगा इन टू टू टी गई एक्स टू दपर एन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्र का फॉर्मूला क्या होता है नीचे डीवाई डी एक्स रहता है और यहाँ पे एक्स स्क्र रहता है तो क्या करते हो तुम ट्वाइस ऑफ एक्स करते हो यहाँ पे एक्स है यहाँ पे भी, भी एक्स है तो जब यहां पे टी है यहाँ पे भी, भी टी है तो टू टी करोगे यस सर नो स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा ध्यान दे दो डन एफ डी वन आप टी को टी स्क्वायर को डी uh, क्या बोलते हैं डी टी से ही तो डिफरेंशिएट कर रहे हो टी स्क्वायर को आप टी से ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा टू टी एन एक्स एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगा है टू ठीक है टू टी टू पावर टू माइनस वन दैट इज दे टू टी डन ओके यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे टू ए कॉमन निकल जाएगा और d बाई डी टी ऑफ टी आ जाएगा तो ये जाएगा तुम्हारा टू ए बिकॉज डी बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ टी विल बी योर वन ठीक है यहाँ पे ये इसका फॉर्म आ गया आपको dx एक्स बाय डी टी क्या करोगे सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट मतलब डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी डी डी टी डी टी कैंसल दिस विल बीर डी वाई बाई डी एक्स ठीक है ये हो जाएगा आपका टू ए और यहाँ पे आ जाएगा ए टू टी तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा ए ए कैंसिल टू टू कैंसिल तो तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा वन बाई टी कॉट इट डी वाई बाई डी एक्स विल बी योर वन बाई टी डन एवरी वन बहुत सिंपल है इतने ही सिंपल है ये पूरी एक्सरसाइज डन एवरी वन ओके चलो सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन में यहीं पे चेंजेस करती हूँ मैं ठीक है यहाँ पर है x है टू ए टी स्क्वा और यहाँ पे है ए टी फोर क्या हो जाएगा ये टू ए तो कॉमन निकल जाएगा डी बाय डी टी ऑफ टी वापस से कर लो वही टी स्क्वायर क्या हो जाएगा टू टी ठीक है और यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा आपका फोर ए टी ये कितना हो जाएगा ए कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा डी बाई डी टी ऑफ टी टू दिस विल विल बी योर ए थ्री टी सॉरी थ्री टी कहाँ से है फोर एन एक्स एन माइनस वन ये है एन एन एक्स एन माइनस वन मतलब ये हो जाएगा ए इंटू फोर टी क्यूब ओके चलो फटाफट से इसको अरेंजमेंट कर लोगे यहां पे और ये हो जाएगा आपका फोर ए टी क्यूब अपॉन फोर ए टी क्या हो जाएगा आंसर टी स्क्वेर टी टी स्क्र आ रहा है इसका आंसर डन बहुत इजी है ठीक है फटाफट से करते हैं समझ में आ रहा है आपको तो फटाफट से एक थमदप दे दो ये स्तन में दिव्या सानी का आर्य बेटा एवरी वन एवरी वन ईजी था ओके चलो थर्ड वाला क्वेश्चन यही पे सॉल्व कर लेती हूँ मैं टू द्री टी क्वेश्चन एक बार चेक करने दो क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है बस वहीं पे एक मिस्टेक हो जाती है हाँ ई टू द्री टी और ई टू दी प्लस फाइव वही लिखा है यहां पे भी यस yes. ओके okay. चलो करो फटाफट फड़ से मैम बोलो क्या हुआ डी एक्स बाय डी टी कर रहे हो नहीं समझ में आ रहा चलो आ जाओ डी बाई डी टी ई टू द पार थ्री टी ये तो लिख लो ये भी नहीं समझ में आ रहा यहाँ पे लिख लो डी बाई डी टी ई टू द पार फोर टी प्लस फाइव ठीक है अभी समझा अभी सिर्फ लिख दिया आपने इसको u ले लो ई टू u का क्या होता है गैस u भी जो है वो t के टर्म्स में ही है तो ठीक है ना ई टू u का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ई टू u मतलब ई टू द power थ्री टी आ जाएगा और जिसको तुमने u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करना मतलब डी बाई डी टी ऑफ थ्री टी यो डी बाई डी टी ऑफ थ्री टी ऐसे ही कर देते अपन गाइस चेन रूल वो हमेशा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल वो हमेशा ध्यान रखना ठीक है तो आपकी कोई कभी भी कोई गलतियां ही नहीं होंगी ये क्या हो जाएगा आपका इी e टी अच्छा थ्री टी का क्या हो जाएगा इन टू थ्री ये सर नो गाइस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है वन तो यहाँ पे डी वाई डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा वन क्योंकि पावर उसका कितना है है वन 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 जीरो ठीक तो थ्री ये आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा आई होप आपको ये समझ में आया टी टू द दावर वन इज इक्वल टू एन टी एन माइनस वन वन इंटू टू टू द पावर जीरो दैट इज वन इसलिए मैंने से डायरेक्टली थ्री इंटू वन को थ्री लिखा ये समझ में आपको इक्वेशन नंबर वन समझा अब आ जाओ इसकी तरफ ये नहीं पता है यू एज्यूम करो ई टू द फोर टी प्लस फाइव जिसको यू एज्यूम किया उसको वापस से डी बाई डी टी करेंगे तो येगा आपका फोर्टी प्लस फाइव तो ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर फोर्टी प्लस फाइव और अब डिफरेंशिएट करो इसको फोर्टी क्या हो जाएगा अच्छा मल्टीप्लाई है या प्लस है प्लस है सिर्फ ब्रैकेट ओपन होगा डिफ्रेंशिएशन का सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट ओपन होगा गाइस तो फोर्टी का क्या हो जाएगा इन टू फोर और फाइव uh, का क्या हो जाएगा जीरो तो दिस इज आर आंसर चलो फटाफट से मैं यहीं पे पुट कर रही हूँ अभी तो दिस विल बी माई फोर इन टू ए टू द पावर फोर प्लस फाइव यहां पर दिया है थ्री इंटू ए टू द पावर थ्री टी अब इसका कुछ और डिफ्रेंसिएशन वगैरह हो सकता है क्या बताना मुझे कुछ और कर सकते हो तुम इसे बोलो इसके आगे कुछ और होगा या नहीं होगा इस के आगे हां या ना बोल दो आगे का मैं बताती हूं होना है या नहीं होना है गाइस ई e का पावर है दोनों जगह ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा फोर अप थ्री तो वैसे ही रहेगा ई टू द पावर फोर टी प्लस फाइव ये ऊपर जाएगा दिस विल बी योर इन टू ई टू द पावर माइनस थ्री टी अब ये क्या हो जाएगा फोर बाय थ्री ई टू द पावर फोर टी प्लस फाइव माइनस थ्री टी कितना हो जाएगा टी प्लस फाइव तो अब हो जाएगा ये आपका फोर बाय थ्री ई टू द पावर टी प्लस फाइव गॉट इट सो दिस विल विल बी आर आंसर फाइनल आंसर चलो आ जाओ फिर चेक करता है यस डन ये स्टेप से डायरेक्टली उन्होंने ये स्टेप लिख दिया बट अपन उनको दिखाएंगे एग्जाम में कि देखो ऐसा ऐसा होता है गॉट इट डन एवरी वन लो पूरा सॉल्यूशन ले लो एक पेज पे डन समझ में आया क्या कर रहे हो नीचे ई टू तो थ्री टी है वो जब ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री टी हो जाएगा फोर्टी माइनस थ्री टी विल बी योर वन टी मतलब t और प्लस फाइव का प्लस फाइव इट इज लिखा डन चलो डन ओके okay. तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ ये क्या बोल रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ओके इफ x इक्वल टू दिस वाईक्वल टू दिस ओके x इक्वल टू यू प्लस वन बाई यू का स्क्वायर और वा दिया है टू टू द पावर यू प्लस वन बाई यू ओके सुनो ना आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या करोगे आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे ये बोलो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बुद्धा साइड डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बुद्धा साइड ये तो आप लिखोगे फिर डी एक्स बाई डी टी ये हो जाएगा आपका d बाई डी टी ऑफ यू प्लस वन बाई यू का स्क्वायर और यहाँ पे लिख लो पहले इस पहले इसी को सॉल्व करो ठीक है बोलो क्या आप देख सकते हो इसको अगर आप t ले लो या इसको आप u ले लो ठीक है t है तो t तो नहीं लोगे इसको आप u ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा u टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा u का स्क्वायर मतलब क्या है वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का क्या होता है स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है टू इंटू एक्स टू माइनस वन दैट इज वन तो टू एक्स हो जाएगा और जिसको तुमने u लिया उसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे d बाई डी टी ऑफ u मतलब u प्लस अच्छा एक मिनट यहाँ पे ऑलरेडी u है ठीक है होप्स ऐसा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो यहां पे मैं x ले लूँ एक भी नहीं ले सकता वी ले लू अब तो समझेगा वी ले लू तो डी बाई डी टी ऑफ वी के हमने वी जो है वो टी के टर्म में तो बिल्कुल डिफरेंशिएट हो सकता है तो टू यू हो गया टू वी हो गया ये एंड डी बाई डी टी ऑफ वी जिसको हमने वी लिया उसी को वापस से डिफ्रेंशिएट कर रहा तो वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ यू प्लस वन बाई यू ठीक है चलो आ जाओ ये हो जाएगा आपका टू यू प्लस वन बाई यू और ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ यू डी बाई डी टी ऑफ यू ये कितना आ जाएगा डी यू बाय डी टी प्लस वन यू वन बाय यू क्या हो जाएगा बोलो इसको इसका जस्ट एक बार एक काम करो इसका ब्रैकेट ओपन करो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ब्रैकेट ओपन करो डी dt डी टी ऑफ वन बाई यूट सॉल्व करो जैसे यहाँ पे एक्स है उस टर्म्स में सॉल्व करो जैसे ऐसे ही सॉल्व करो जैसे यहाँ पे एक्स है जैसे करते थे ना अभी तक आप ही करो ये है इसका क्या हो जाएगा वन यहाँ पे एक्स है अब क्या हो जाएगा वन और इसका क्या हो जाएगा वन u का क्या हो जाएगा मतलब यू टू दावर माइनस वन मतलब माइनस वन इंटू यू टू दावर माइनस वन इंटू माइनस वन ये जाएगा माइनस वन अपॉन यू ठीक है यू स्क्वायर मतलब कैन आई राइट इट नहीं रूट नहीं बस इतना ही रहने दो ये समझ में आया इसका क्या हो जाएगा माइनस वन बाय यू स्क्वायर और ये एज इट इज कॉपी रहेगा यू प्लस वन बाई यू डन एवरी वन कैसे क्या समझ में आ रहा है yes. ये समझ में आया क्या किया आपने यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन होने के फुल ऑन चांसेस है वापस से बोल रही रहे होता है इसको आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है वैसे समझो आप तो आपने टू एक्स लिख दिया ये टू एक्स है ठीक है अब जिसको तुमने एक्स लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे जिसको यू लेते थे उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करते थे तो यहाँ पे एक्स है मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ इधर यू है तो ये क्या हो जाएगा वन और ये कितना हो जाएगा वन बाई यू माइनस वन बाई यू स्क्वायर डन गॉट इट ऊपर देखो कहां पे अरे डियर मैं जानबूझ के इधर टी लिखा है मैंने क्योंकि अपन डी बाई डी टी कर रहे हैं बट अपन जैसे डी बाई डी एक्स करते थे वैसे ही करोगे आप ठीक है ये बोलने का मतलब है हाँ डी बाई डी टी ही लिखना है इट्स करेक्ट इट्स करेक्ट ठीक है देखो क्योंकि आप डी बाई डी टी डी बाई डी टी करोगे तभी लास्ट में लास्ट में आप डी वाई बाई डीएक्स निकालना है dy बाई डी टी डिड बाई डी यू बाई डी टी करोगे सॉरी क्या था dx by dt करोगे तब ये जो डी टी डी टी है कैंसिल होगा तब जाके तुम्हारा dy बाई डीएक्स आएगा समझ में आया तो अपन ने एकदम करेक्टली तो किया बट आई एम भाई कंफ्यूज मत तो यू और टी को लेके जैसे तुम डिफ्रेंशिएट करते थे वैसे का वैसे ही डिफरेंशिएट करोगे डन एवरी वन ये पट क्लियर है ओके चलो इसको करें अभी हम लोग इसको देखते हैं आ जाओ यार इधर तो रेस टू द पावर है ठीक है यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं बन रहा है आपका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है क्या यहाँ पे आपका देखना ज़रा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है आपका बोलो गाइस ये ए है कांस्टेंट है ए टू द पावर एक्स बन रहा है क्या क्या होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए यस और नो ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है यस yes? अंडरस्टूड ए टू द पार एक्स बन रहे तो चलो आ जाओ तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू ए टू द पार एक्स मतलब ये पूरा एज मतलब टू यू प्लस वन बाई यू इन टू लॉग ए मतलब लॉग ऑफ टू ये था तुम्हारा पूरा एक बार डिफरेंशिएशन ठीक है तुमने इसको क्या ले लिया इसको हमने मान लो एक्स uh, ले लिया है ठीक है तो आपने क्या किया टू एक्स ए टू दिफ्रेंशियट किया ये था तुम्हारा एक्स और ये था लॉग ए अब जिसको एक्स से डिफ्रेंशिएट करना है जिसको ले उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करना है समझ में आ रहा है कंफ्यूजन होगा यहाँ पे इसे सॉल्व करके बता रही हूँ मैं नाउ डी बाई डी टी ऑफ वापस से यू प्लस वन बाई यू से देखो यही चीज आई है कर दो एज इट इज ये लिख लू मैं तो ये हो जाएगा आपका टू यू प्लस वन बायू इंटू लॉक टू ये अभी कभी अपन ने सॉल्व किया दिस विल बी योर वन माइनस वन बाई यू का स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ यू वन वन बाई टू वन बाई यू यू पर जाएगा माइनस वन तो माइनस वन बाय स्क्वा डन एवरी वन ये गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर वन थोड़ा टेक्निकल थोड़ा तो थो देंगे यार इतना भी इजी नहीं देंगे कि आप एकदम यू नो बोनस मार्क ले लो बट कॉन्फिडेंटली करोगे मुझे एक बात बताओ यहां पे शॉर्टकट मेथड क्यों यूज होगा क्योंकि इतने बड़े का फॉर्मूला नहीं पता हाँ हमें ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला पता है इतने बड़े का फॉर्मूला आपको पता था क्या नहीं हमें पता था ए टू x का फॉर्मूला पता है तो आपने ए टू दिया क्या था आपका फॉर्मूला डी बाई ए टू दू दू लॉग ऑफ ए टू दू लॉग ऑफ ए अब जिसको एक्स लिया उसको भी तो डिफ्रेंशिएट करो डन और नॉट समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली एवरी वन यस ओके अब बस ऊपर सेकेंड बाय फर्स्ट कर दो सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन वन माइनस वन बाय इस पूरे एक्सरसाइज में सेकेंड अपन फर्स्ट करना है ठीक है आपको बिकॉज यही रहेगा हर एक जगह नाउ टू यू प्लस वन बाय थोड़ा सा ध्यान से देखना यहाँ पे पावर है उसका यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लीकेशन है वो ठीक है तो कैंसिल मत कर देना भूल के भी वन माइनस वन बाय का स्क्वायर यार है कुछ अजीब सा आ रहा है यार क्या हम लोग इसको और शॉर्टकट बना सकते हैं तो चलो थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा तो शॉर्टकट क्या बनाए बोलो क्या शॉर्टकट बनाओगे कैन यू सी यहाँ पे अपन को ये आ रहा है देखो u प्लस वन बाई यू आ रहा है और u प्लस वन बाई यू का स्क्वायर हमें पता है x होता है u तो प्लस वन बाय यू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा क्या ये स्क्वेयर इधर जाएगा तो अंडर रूट ऑफ x होगा प्लीज तेलमी पक्का एवरी वन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है अपन को अपन को सॉल्यूशन में यहां पे u प्लस वन बायू मिला है एंड वी ऑलरेडी नो दैट u प्लस वन बाय u का स्क्वायर जो होता है वो x है तो ये जब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा तो क्या मैं इसके बदले में अंडर रूट ऑफ एक्स लिख दूँ तो ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा टू रूट ऑफ एक्स थोड़ा अच्छा दिख रहा है नाउ अब इसको भी कुछ छटाओ वन माइनस यू स्क्वायर का कुछ हो गया ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा ओके तो ठीक है ना यार कोई दिक्कत नहीं और मुझे एक बात बताओ तुम्हारा वाई क्या है हे गई जस्ट चेक आउट वंस टू यू टू द पावर टू टू द पावर यू प्लस वन बायू तुम्हारा वाई है टू टू द पावर u प्लस वन बाय यू तुम्हारा y है तो कैन आई राइट इट हियर एज y इन टू लॉग टू और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आर यू गेटिंग दिस एज आंसर प्लीज चेक इट आउट यो डन वाई बाय डी एक्स आ गया ये समझ में आया कैसे क्या क्वेश्चन से लिया जैसे ठीक पहले लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने एक्सरसाइज टू पॉइंट किसका टू पॉइंट फोर का किया राइट टू पॉइंट फोर का जो लास्ट क्वेश्चन था वहां पे भी क्वेश्चन के सहारे अपन ने इसको शॉर्ट बनाया ये दोनों चीजें जो वाई और एक्स आ रहा है ये क्वेश्चन के सहारे आ रहा है देख रहे हो वाई क्या था तुम्हारा ये पूरा चलो क्वेश्चन में जाओ ये पूरा तुम्हारा वाई था डियर और ये तुम्हारा एक्स था मतलब यू प्लस वन बाई यू करोगे तो ये रूट एक्स हो जाएगा तो बस वही चीजें की है यहाँ पे पुट यू गॉट योर आंसर डन फर्स्ट क्वेश्चन डन चलो बढ़ू मैं आगे सेकेंड वाले पार्ट की तरफ ओके okay. गई समझ में आ रहा है ना आप लोगों को ये सर नो समझ में आ रहा है कोशिश करोगे मेरे साथ साथ सॉल्व करने की अगर साथ साथ सॉल्व करते हो ना तो अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं ताकि आप यहाँ पे एक्स क्या दिया है नेक्स्ट पार्ट में दिया है एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस यू का स्क्वाई दिया है आपको यहाँ पे लॉग ऑफ वन प्लस यू का स्क्वायर ठीक है ये दोनों दे दिया आपको ओके okay. एक्स क्या दिया वन प्लस अंडर रूट ऑफ यू का स्क्वा कैसे करेंगे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करो ना क्या आप इसको लिख सकते हो वन प्लस यू टू दर हाफ लिख सकते हो येसर नो एक्स इक्वल टू तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा यहाँ लिखोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ द साइड्स ठीक है उन्होंने यू से किया है ठीक है अपन टी से कर रहे हैं उनका जाने दो डी एक्स बाई डी टी कर रहे हैं अपन ठीक है बिकॉज यू अपन सब्सिट्यूट करते हैं चलो जी अब ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी डी बाय डी टी ऑफ वन प्लस यू टू दाफ क्या तुम्हें दिख रहा है एक्स टू द पावर एन क्या हो जाएगा ये एन एक्स एक्स क्या तुम्हारा ये पूरा एक्स है वन प्लस यू टू दार एन माइनस वन क्या हो जाएगा तुम्हारा अच्छा फिर ये तो तुम्हारा एन एक्स एन माइनस वन वन हुआ है फिर डी बाई डी टी करोगे जिसको तुमने एक्स लिया है उस पूरे को डी बाई डी टी करो ये तुम्हारा सॉल्यूशन होगा ठीक है अब ये क्या हो जाएगा देखो एन एक्स एन माइनस वन ये तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन हुआ सिर्फ और सिर्फ एक्स टू द पावर एन का समझ में आ रहा है अब जिसको एक्स लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे शॉर्टकट मेथड वही क्या डर तो अब क्या हो जाएगा ये ये आपका हो जाएगा वन प्लस यू टू द पावर माइनस हाफ मतलब माइनस हाफ मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस हाफ बोल रहा है राइट हाफ मतलब स्क्वायर रूट आ जाएगा क्या मैम नहीं समझा नहीं समझा तो ऐड कर लो वन प्लस यू टू दाइनस हाफ अरे इतना तो समझ रहे अच्छा डी वाई डी टी ऑफ वन जीरो और डी वाई डी टी ऑफ यू प्लस वन ठीक है अब यहाँ पे वो वन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही आंसर आना है दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस ज़ीरो एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई वन यही आएगा तो वन बाई टू अब मुझे बताना ये माइनस हाफ है ये नीचे चला जाएगा वन बाय टू दावर ऑफ हाफ डन अब मुझे बताना कभी भी तुम अगर टू है स्क्वायर रूट ऑफ टू है तो तुम उसको क्या लिखते हो ऑफ वन बाई टू लिखते हो तो यहाँ पे वही तो दिया है तो क्या ना राइट इट दिस एस अंडर रूट ऑफ वन प्लस यू लिख सकती हूँ मैं इसे ओ सॉरी यू स्क्वायर है यू स्क्वायर है यू स्क्वायर है अच्छा फिर ये चेंज हो जाएगा जस्ट अ सेकेंड गाइस फिर ये चेंज हो जाएगा यू स्क्वायर था यार हर एक जगह यू स्क्वायर है यू स्क्वायर है यू है ओके okay. नाउ यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ वन जीरो एंड डी बाई डी टी ऑफ एक्स दिन इज इक्वल टू टू यू तो ये हो जाएगा तुम्हारा इन टू टू यू तो इसको मैं टू यू कर दूँ ये यू यू कैंसिल हो जाएगा टू टू कैंसिल हो जाएगा दिस विल बी योर यू अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस ठीक है ऐसा कुछ आएगा डन, तो तुम्हारा डीएक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा इट्स योर यू प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस यू का स्क्वायर, गोट दिस पार्ट इक्वेशन नंबर वन पुट किया और फटाफट से अपन चलो अपनी तरफ इसको सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको कैसे सॉल्व करोगे बोलो डायरेक्ट इससे ओके डायरेक्ट फॉर्मूला ओके सही बोला आपने करेक्ट बोला लॉग ऑफ एक्स समझो ना लॉग एक्स का फॉर्मूला पता है इसको अब अपन ने क्या ले लिया एक्स ले लिया ठीक है तो लॉग एक्स का क्या होता है वन बाय अच्छा एक मिनट डी बाई बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाय एक्स मतलब वन प्लस यू का स्क्वायर और जिसको एक्स लिया उसको वापस से करेंगे डिफ्रेंशिएट तो डी बाई डी टी ऑफ वन प्लस यू का स्क्वायर तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन वन प्लस यू का स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो प्लस टू यू तो ये जाएगा तुम्हारा टू यू इन टू अपॉन वन प्लस यू का स्क्वा ये सॉल्यूशन आ रहा है बोलो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी टी तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर लो फटाफट से यू विल गेट योर सॉल्यूशन, मतलब सेकेंड अपॉन फर्स्ट मतलब मैडम डी वाई बाई डी टी इज अपॉन डी एक्स बाय डी टी कर रहे हो आप क्यों क्योंकि आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ये डी टी ये डी टी कैंसिल हो जाता है ठीक है ये डी टी ये डी टी कैंसिल हो जाता है तो तुम्हें ये मिलता है डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स तो ये क्या हो जाएगा टू यू अपॉन वन प्लस यू स्क्वा और यहाँ पे आ जाएगा यू अंडर रूट ऑफ वन प्लस यू का स्क्वा सुनो ना नीचे डिवीज़न है तो क्या मैं उसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका टू यू वन प्लस यू स्क्वेर इन टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस यू स्क्वेयर अपॉन यू कुछ कर सकते हो क्या इसका शॉर्ट बनाने की कोशिश करो ना कुछ कर सकते हो यस एक चांस है यार एक आइडिया है मैम क्या देखो ज़रा अगर आपको अगर एक्स दिया है ठीक है तो आप उसको एक्स बाय रूट एक्स दिया है चलो तो आप उसको अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स लिखते हो क्या इस ऊपर वाले टर्म को क्या आप ये लिख सकते हो और नीचे तो रूट एक्स दिया ही है, तभी ये दोनों कैंसिल होगा तो बस यहां पे देखो यहाँ पे मुझे एक तरफ रूट मिल रहा है और ये सेम टर्म है अंदर का तो कैन आई राइट दिस एज मैं इसको एक्स के फॉर्म में लिखूँ क्या समझ में आ रहा है क्या अच्छा ये कैंसिल भी हटा दो बस ये बताओ मुझे ऐसे लिख सकते हैं आप इसे एक्स को अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं एवरी वन यस वही चीज़ है डियर वही चीज़ है तो दिस विल बी योर टू यू अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस यू का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन प्लस यू का स्क्वायर इंटू वन प्लस यू का स्क्वा अपॉन यू तो ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा कैंसिल ये और ये u u और हो जाएगा कैंसिल तो योर सॉल्यूशन विल बी डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस यू का स्क्वायर चलो फटाफट से फटा चेक करते हैं इज दिस योर आंसर इज दिस योर आंसर डीवाई बाई डी एक्स क्या है टू अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर यस सेम है डन समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन क्या किया पूरे सम में ये सम थोड़ा सा टेक्निकल था टेक्निकल आसच तो कुछ नहीं था यार चलो यहाँ पे क्या था एक्स टू दिन ठीक है तो एन एक्स एन माइनस वन और जिसको एक्स लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट किया ये लो ये पूरा सॉल्यूशन आ गया तुम्हारा ठीक है ये टू टू कैंसिल हो गया ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर वन चलो नेक्स्ट वाले को लॉग ऑफ एक्स वन बाय एक्स और जिसको एक्स लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट कर देना ये आइडिया अच्छी है अगर डीएक्स के टर्म एक्स के टर्म में पूरे वेरिएबल्स है तो आप यू अज्यूम करोगे और अगर यू के टर्म में है तो हम एक्स अज्यूम करेंगे गई आइडिया अच्छा है ना फटाफट से समझ में आता है क्या बोलते हो इसको लॉग एक्स लिया वन बाय एक्स और जिसको एक्स लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का ये लो अच्छा डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे ये दोनों कॉम ये दिख रहा था तो मैंने इसे क्या किया अंडर रूट ऑफ़ जैसे एक्स को अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हो ठीक उसी तरह से मैंने ये डिनोमिनेटर को अंडर रूट ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर लिखा ये ऊपर का न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा ये यू ये कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल बी योर टू अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस यू का स्क्वायर डन एवरी वन यस पक्का चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने आपको ओके फाइव टू द दिया है और लॉग एक्स दिया है मिनट। अच्छा डिफ्रेंशिएट फाइव टू द पार एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स आपको ऐसे बोला है ना आपको X कुछ बताया ना आपको कुछ वाई बताया है okay. चलो जी आ जाओ क्या बोला है उन्होंने डिफ्रेंशिएट फाइव एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स तो एक काम करो ना इसको ले लो एक्स ठीक है और तो आपको क्या निकालना है वाई बाई डी एक्स निकालना है ओके तो आप इसको ले लो यू और इसको ले लो वी आर इन दोनों को ले लो तो अब आप क्या करोगे डी वाई बाय एक्स निकालना है तो ऐसे मत करो एक काम करो इसको एक्स ही लो इसको एक्स ले लो और इसको वाई ही लो देखते आगे क्या कर सकते हैं ठीक है ठीके? चलो जी तो इसको क्या करेंगे अपन डिफरेंशियटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू यो फाइव ऑफ एक्स मतलब ए टू दर एक्स कई फाइव कॉन्स्टेंट है ना ए टू द पार एक्सा फाइव ए टू द पार एक्स इन टू लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ ए मतलब फाइव ठीक है लॉग ऑफ फाइव इन टू जिसको तुमने कुछ एज्यूम किया उसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स हो जाएगा ये यहाँ पे ठीक है चलो जी आ जाओ और यहाँ पे क्या करोगे आप डी बाई बाय डी टी इज इक्वल टू वन बाय लॉग वन बाय एक्स होता है तो एक्स के बदले में आप लॉग एक्स लिखोगे और डी बाय डी टी ऑफ एक्स ये सब क्लियर है एवरी वन ऑफ यू नहीं अपन x और y के फॉर्म में ही कर रहे थे इसलिए मैंने वैसे ही लिया क्योंकि हमें dy वाई बाय निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली सेकेंड बाय फर्स्ट करेंगे तो डीवाई बाई आ जाएगा ठीक है तो वो अपन ने हटा दिया अब फाइव टू द पार एक्स है तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स है ए टू दस है मतलब ए टू दिन टू लॉगे ये हो गया तुम्हारा ए टू द पार एक्स का फॉर्मूला बोलो जी ये क्लियर है क्या क्लियर है ये आप लोगों को कोई कुछ लग नहीं रहा आपको ये यहाँ पे क्लियर है सीरियसली क्या करते हो हाँ फिर एक्स क्यू आएगा यहाँ पे ये क्यूब आएगा गई उन्होंने ऐसा थोड़ी ना कुछ दिया है कि आपको इसके ऊपर है जो आप उसको भी डिफरेंशियट करो ये ए टू एक्स था एक्स का फॉर्मूला था ए टू तो है आ गया ना समझ में आ रहा है यहाँ पे भी यहाँ पे मुझे बताना अब आएगा या नहीं आएगा अब बोलो ये समझ में आया क्या ये वाला पार्ट समझ में आया देखो कंफ्यूजन होने के तो चांस है नो डाउट सबसे पहले उन्होंने बोला फाइव एक्स आप इसके से डिफरेंशियट करो ओके रिस्पेक्ट टू ओके तो मैंने सबसे पहले इसको क्या ले लिया x और इसको y. जैसे अभी तक अपन कर रहे थे वैसे ही करेंगे अननेसेसरी और कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे तो डी एक् डी टी ए टू दावर एक्स का फॉर्मूला दिखा और मुझे पता है ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए टू द दावर एक्स इन टू लॉग ऑफ ए तो हमें पता था ओके okay. तो अब क्या करोगे आप वो लिख दिया आपने ए टूट पार एक्स इन टू लॉग ए और कुछ करोगे क्या यहाँ पे यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा क्या डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऐसा कुछ आएगा नो वे यार कुछ है ही नहीं चांस कुछ पावर थोड़ी ना उसका एट पार एट पार एक्स था एट पार एक्स आपने निकाल लिया उसी का फॉर्मूला लगा दिया खत्म समझ में आ रहे हैं एवरी वन अच्छा अब मुझे यहां बताना अगर ये समझ गया इसका लॉजिक समझ गया तो यहां पे भी समझ जाएगा क्या लॉग एक्स का स्क्वायर दिया क्या लॉग एक्स का पार एक्स uh, दिया है नहीं तो क्या तुम्हारे पास में यू हैव स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का दिसमूला है आपके पास में है जब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो फिर कुछ अज्यूम क्यों करने का तो अब इसको कुछ अज्यूम नहीं करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपली वन बाय एक्स दैट इट समझ में आया क्या एवरी वन हियर बोलो डिड यू अंडरस्टैंड टिल हियर समझ में आया कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है ये चेन रूल चेन रूल मतलब वो जो सब्स्टिट्यूशन अपन करते हैं जो शॉर्टकट मेथड है बस उसे करते जाते करते जाते करते रहते सोचते भी नहीं है कि स्टैंडर्ड फार्मूला है क्यों करना है मुझे एक बात बताओ तुम्हें ये अगर अभी भी नहीं समझ रहा तो x के पास स्क्वायर दिया है ठीक है तो तुम 2x n 1 करके 2x लिख रहे हो क्या फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ यहाँ पे x लिखोगे क्या क्या फिर से यहाँ पे ऐसा d बाई डी टी ऑफ एक्स लिखोगे अरे नहीं ना रे बाबा एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो गया ए टू दोपहर एक्स का ए एक्स इंटू लॉग ए हो गया लॉग एक्स का वन बाय एक्स हो गया बस खत्म है ये क्वेश्चन तो कितना इजी है डिवाइड करो फटाफट से यू विल गेट यूर जगह वन बाई एक्स अपॉन फाइव एक्स इंटू लॉग ऑफ फाइव ठीक है चलो आ जाए इधर अननेसेसरी गलती होती थी ना हाँ अब एक चीज अब एक चीज अब थोड़ा सा तरफ जाएंगे और देखेंगे किसको किससे डिफ्रेंशियट करने बोला है आपने हमें आपने हमें बोला है डिफ्रेंशिएट करो इसको विथ रिस्पेक्ट टू ये डिफ्रेंशिएट करो वाई को ठीक है वाई ये लिया होता था आपने चलो अगर आपने इसको क्या लिया ये बताओ मुझे इसको क्या लिया फाइव टू x इसको एक्स लिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई अरे इसको एक्स बोल के डिफ्रेंशिएट किया ना और इसको वाई बोल के किया तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी वाई निकालना है यहाँ पे समझ में आ रहा है तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी अपॉन डी वाई बाई डी टी अपन हमेशा ऐसे मैंने आपको बताया कि वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स होता है एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी डी एक्स बाई डी टी होता है तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई होगा या नहीं होगा ठीक है आइडियली अपन को क्या करना था अपन को इसको वाई और इसको एक्स लेना था तो ज़्यादा बेटर होता था बट ठीक है नाउ डिड यू गाइज अंडरस्टेंड अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो एक काम करो ये सब मैं एक्स्ट्रा के मिटाती हूँ ठीक है रुको पहले तो मैंने यहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हटा दी ठीक है इसको ले लो आप इसको ले लो आप y और इसको ले लो आप x, ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी ठीक है ये हो जाएगा तुम्हारा dx बाई डी अब करो dy वाई बाय समझ में आ रहा है अब क्या करोगे ये x ऊपर चला जाएगा मतलब इसी स्टेप में फाइव टू द पार एक्स इंटू लॉग ऑफ फाइव को ये हो जाएगा एक्स अपॉन वन तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन आपका फाइव टू द पार एक्स इंटू एक्स इंटू लॉग ऑफ फाइव गॉट इट डन चलो आ जाओ इधर यहां पे देखो इसलिए उन्होंने यू भी लिया समझ में आ क्यों उन्होंने यू वी लिया मेरे को तो ऑलरेडी यहाँ पे एक से टर्म्स नहीं था इसलिए उन्होंने यू भी लिया आप ऐसे लोगे तो भी चलेगा इसको यू ले लो इसको वी ले लो यू हो जाएगा तुम्हारा ये अच्छा क्वेश्चन में बोला है डिफ्रेंशिएट करो आप इसको बाय ये ठीक है तो मतलब आपको डी यू बाई डी वी निकालने बोला ये देखो डी यू बाई डी वी क्लियर एवरी वन गई आंसर सेम आएगा कुछ भी इमेजिन करो गलती मत करना बस ठीक है जहां जहां मिस्टेक होती है वहां वहां मैं आपको मिस्टेक कर, कर कर के बता रही हूं कि भाई ऐसा नहीं करना है ऐसा नहीं करना है क्लियर बढ़ू आगे एक बार वापिस करवाऊ से चाहिए क्वेश्चन यू वी लेके करवाऊ यू वी लेके करोगे तो क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स ये जगह डी वी बाई डी एक्स अच्छा अब ये मत कर देना इसको कर रहे हो एक से इसको कर रहे हो टी से अरे भाई वो कैंसिल नहीं होगा समझ आए क्या इसको कर रहे हो तुम x से इधर इसको डी एक्स बाय क्या था डी यू बाय डी एक्स कर रहे हो डिफ्रेंशियट इसको डी वी बाय डी टी कर रहे हो अरे कैंसिल कहाँ से करोगे डी एक्स डी टी को दोनों तरफ एक ही एज्यूम करना इसको डी एक्स से रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो इसको भी एक से ही करना ठीक है ये भी एक और मिस्टेक्स हो सकती है डन चलो ठीक बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व द फॉलोइंग अगर एक्स एक्स X, X ये है वाई ये है तो dy बाई डी एक्स निकालना है ओके शो दैट ये माइनस वन है शो करो कि उसकी वैल्यू माइनस वन आती ओके डन एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस वन बाई ठीक है कैसे करोगे आप इसे और y इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस वन बाय टी करेक्टली लिखा है क्वेश्चन करेक्टली लिखा है यस क्वेश्चन करेक्टली लिखा है ना अब आप क्या करोगे डी एक्स बाय डी टी बोधा साइड आप लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी बोधा साइड विद रिस्पेक्ट टू डी वी गेट इस तरह से प्रॉपर प्रेजेंटेशन करोगे एक कॉमन निकल जाएगा डी बाय डी टी ऑफ वन माइनस डी बाय डी टी ऑफ वन बाय टी हो जाएगा मुझे एक बात बताना वन बाय टी को टी टू दर माइनस वन लिखू क्या वन बाय टी को टी टू दाइनस वन लिखू तो एन एक्स एन माइनस वन कितना रहेगा माइनस टू माइनस टू मतलब यस और नो तो ये जाएगा आपका ए इन टू ये कितना जाएगा जीरो माइनस वन बाय टी स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका ए अच्छा ओ ओ ओ ओ माइनस 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 है है बीच में और इधर का समझ में आ रहा है क्या एवरी वन गई यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस ध्यान से रखना है अरे इनके बीच में माइनस था ना ये वही माइनस है ये वही माइनस है ये वही माइनस है और क्या बोलते वन बाई टी का डिफरेंशिएशन आता है तुम्हारा माइनस वन बाई टी स्क्वायर तो ये वो वाला माइनस है क्लियर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए ये आया है. चलो अभी इधर आ जाओ अपना डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए तो कॉमन निकलेगा ब्रैकेट में आ जाओ इसको मैं डायरेक्ट शॉर्ट कट कर रही हूँ जीरो हो जाएगा ये और टी टू तो पावर माइनस वन क्या होता है मेरे पास ऑलरेडी है माइनस वन बाय टी स्क्र ग्रेट अच्छा यहाँ पे प्लस है प्लस है और इसका आंसर आता है माइनस तो प्लस माइनस माइनस ही होगा यहाँ पे माइनस है और इसका आंसर आता है माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा समझ में आया क्या कहाँ मिस्टेक होने के चांसेस है तो so, ये डायरेक्टली मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया ठीक है दिस इज आ स्टेप नंबर टू एंड अच्छा इसको और थोड़ा सा आप जीरो हटा सकते हो ना डीवाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन टी का स्क्वायर सेकेंड अपॉन फर्स्ट डी वाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू डी वाय बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर स्क् ए अपॉन टी स्क्वायर गाइस ये दोनों ए अपॉन टी स्क् एन टी स्क्वायर क्या आंसर हो जाएगा दिस विल बी ऑफ माइनस वन डन सिंपल है ये yes, सर सिंपल बड़ू आगे कहीं पे भी, भी कोई डाउट है के वो पूछ लो एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन तन्मय आर्या राधिका सानिका सब बोलो जमा पक्का यो ओके okay. चलो सेकंड वाला पार्ट करते हैं सेकेंड वाला पार्ट अब मुझे एक बात बताना अब आप इसको कैसे करोगे सेकेंड वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करने वाले हो एक्स है फोर्टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर वाई है थ्री ब्रैकेट में वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर ये अपॉन वी का रूल दिख रहा है क्या डीवाई बाई डी एक्स निकालना है और ये आना चाहिए तो गई इट्स वेरी सिंपल पार्ट ठीक है बहुत सिंपल है कहा शुरू कहाँ हो रहा है रे क्वेश्चन नंबर टू हाँ यहां पे हो रहा है तो आपने ये एक्स से अपना इसको आप अब मैं आपको ओरली करवा रही हूं ठीक है बिकॉज यू वी रूल लगेगा बहुत लंबा हो जाएगा वो वापस है यू वी रूल लगाना है इस जस्ट यू वी यू अपॉन वी रूल मतलब क्या हो जाएगा यू इंटू वी में फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड कर देते हैं यहाँ पे सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट करना मतलब सेकंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू करोगे माइनस माइनस हाँ ये वाली गलती नहीं करेंगे माइनस है यहां पे ठीक है माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंस ये क्या है यू है ये और ये भी है यू वी लिखने में ना खुद को ही कंफ्यूजन होता पता है पता इतनी ज्यादा मिस्टेक्स होती है यू अपॉन वी लो बोलो अभी फॉर्मूला बोलो यू इंटू वी रूल में क्या बोलते हो आप फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड तो यहाँ पे क्या बोलोगे सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड इंटू सेकेंड मतलब वी वी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डन और यहाँ पे वी का स्क्वायर ये फॉर्मूला पता है एवरी वन बस वही किया है इस वाले पार्ट को u अपॉन v लिया u अपॉन v लिया है उन्होंने ठीक है गया आपका v d बाई डी टी ऑफ फोर्टी फोर्टी क्या हो जाएगा चलो आ जाओ यहीं पे आ जाओ फटाफट -पट से सिंपल सम समय दिख रहा है स्क्रीन अच्छी तरह से स्क्रीन बड़ा दिख रहा है डियर चलो u अपॉन v का रूल लग रहा है ठीक है कैसे कर रहे हो वी इंटू डी बाई डीएक्स ऑफ सेकेंड इंटू डी बाई डीएक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड ये सेकेंड है और होल अपॉन v का स्क्वायर देख रहे हो यहाँ पे ठीक है चलो अब ये क्या हो जाएगा अब सिर्फ डिफरेंस फॉर्मूला आपने पुट कर लिया से फटाफट से डिफरेंसिएशन चेकआउट करते हैं फोर्टी क्या हो जाएगा फोर वही दिया है वन ज़ीरो और यहाँ पे टी स्क्वायर है मतलब टू टी बस ये माइनस माइनस अपन ओपन करेंगे आपको ये आंसर आएगा ठीक है अच्छा नीचे में देखना ज़रा नीचे में इसको ऐसे ही रख रहे हो आप इसको ऐसे ही रख रहे हो आप और उसके बाद में आप क्या कर रहे हो आप कुछ तो भी यू नो you know, और थोड़ा इजी बनाने की कोशिश कर रहे हो कैसे ये फोर इंटू वन प्लस फोर टी ये तो ज़ीरो हो जाएगा माइनस फोर्टी इंटू दिस ये जगह तुम्हारा माइनस एट स्क्वायर ओके अब ये फोर्टी स्क्वायर माइनस एट्टी स्क्वायर यह फोर्टी स्क्वायर फोर फोर कॉमन निकला वन प्लस टी स्क् का स्क्वायर और यहाँ पे वन माइनस टी है कुछ नहीं कर सकते दिस विल बी योर वाई वाला पार्ट या एक्स है सॉरी क्या लिखा उन्होंने? Dx by dt है उन्होंने डी एक्स बाई डी टी है ठीक है चलो अब ये है तुम्हारा वाई ठीक है ये है तुम्हारा डी एक्स बाई डी टी ये है आपका वाई ये क्या आपका ये वाई आया है ठीक है चलो वाई को कैसे करोगे एक बार वापस से क्वेश्चन में जाके जस्ट चेकआउट कर लेना कि क्वेश्चन बराबर लिखा है नहीं लिखा यस थ्री इंटू वन माइनस टी स्क्र अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर ठीक है अब क्या करोगे अगेन यू अपॉन वी का रूल ले लो सेकेंड इंटू डिफ्रेंसेशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसेशन ऑफ सेकंड होल अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका वापस से अच्छा डिफरेंशिएशन में बताना मुझे कोई डाउट है क्या वन का कितना रहेगा जीरो और टी स्क्वायर का कितना रहेगा माइनस टू टी ये इज कॉपी मारा अच्छा वन का जीरो वापस से टी स्क्वायर का टू टी ये नीचे का इज ऑब्वियसली वो तो वी का स्क्वायर ही है इसको सॉल्व करोगे अब आप तो ये हो जाएगा माइनस टू टी को आपने सामने लिखा वन प्लस टी यहाँ पे भी माइनस टू टी वन माइनस टी स्क्वायर कुछ ही? कॉमन निकलता है क्या हाँ जी कॉमन निकलता है माइनस टू टी माइनस टू टी कॉमन निकलता है तो ये लो अब बाकी सब प्लस प्लस हो जाएंगे ये वो हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर ये हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर गई यहाँ से मुझे इतना दिख रहा है टी स्क्र टी स्क्र कैंसल वन वन टू हो जाएगा हंड्रेड परसेंट फोकस हो गया ना तो समझेगा ठीक है यह जाएगा माइनस सिक्सटी टू अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर सिक्स टू द ट्वेल्व टी माइनस ट्वेल्व टी ये आ जाएगा तुम्हारा डीवाई बाय डी टी सॉल्व करो इसको डीवाई बाई डी टी को डीवाई बाई डीएक्स हो जाएगा डीवाई बाई डी टी अपॉन डी टी बाई ये रहा तुम्हारा सेकेंड वाला इक्वेशन और ये रहा तुम्हारा फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे देखो वन प्लस है स्क्वायर वन प्लस थी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो अब ये क्या बच जाएगा आपका माइनस ट्वेल्व टी अपॉन फोर इंटू वन माइनस तीस का स्क्वायर यस और नो अब क्या करोगे आप और कुछ हो रहा है ये हो रहा है फोर वन द्री द ट्वेल्व हो रहा है तो ये आ जाएगा आपका dy बाई डीएक्स अब आ जाएगा आपका माइनस थ्री टी अपॉन वन माइनस टी का स्क्वायर ठीक है ये आ रहा है अभी बट आपको प्रूफ क्या करना था क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है डी है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अब क्वेश्चन में प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इजकअ टू माइनस नाइन एक्स प्लस माइनस नाइन एक्स अपॉन फोर वाई माइनस नाइन एक्स अपऑन फोर वाई आपको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स को माइनस नाइन एक्स अपॉन फोर वाई यार यहाँ पे क्या करेंगे अपन की एक्स और वाई आ जाए ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो आप इसी को ही एक इक्वेशन एक लो और इसे ही सॉल्व करो नाइन एक्स एक्स क्या है आपका पूरा पूरा एक्स लिख दो क्वेश्चन तो एक्स लिखो एक्स है आपका फोर टी अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर ठीक है जो प्रूफ लेना है ना जो प्रूफ निकालना था आपको ये प्रूफ करना था बट आपका आंसर ये आ रहा है हमने ये प्रूफ को ले ही प्रूफ को एक इक्वेशन दिया और इसी को ही सॉल्व कर रहे हैं इसी में एक्स और वाई को सॉल्व कर रहे हैं ठीक है और ये हो जाएगा फोर वाई वाई क्या दिया है तुम्हें ये दिया फोर वाई ये है थ्री वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर ठीक है अब क्या हो जाएगा ये थोड़ा ध्यान से देखोगे आप तो अगेन यहाँ पे भी ये वन प्लस तीस को ये वन प्लस तीस को कैंसिल हो जाएगा ठीक है मैम ऐसा क्यों करें अरे अगर इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके अगर ये आ गया तो हम बोलेंगे येस दिस इज इजार आंसर ठीक है तो अपन अब इसको सॉल्व करके अपन ये लेकर आ रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका नाइन फोर दाओ इसको ऐसे ही रहने दो अभी मत ये करो कैंसिल होने के पूरे चांसेस है ना और यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर इंटू थ्री इंटू वन माइनस थी का स्क्वेयर मुझे एक बात बताना कुछ कैंसिल हो रहा है फोर फोर कैंसिल हो रहा है थ्री थ्री जी नाइन कैंसिल हो रहा है तो ये क्या आ रहा है आपका अच्छा ये माइनस साइन है भूलना मत तो जगह माइनस थ्री टी अपन वन माइनस टी स्क् गई इस ये प्रूफ करना था हमें ये प्रूफ करके हमने ऑलरेडी ये ला दिया देखो इस दिस बोथ आर सेम क्या ये दोनों सेम है समझ में आ रहे हैं आपने डी बाई डी एक्स निकाल के माइनस थ्री बाई टी अपन वन माइनस टी स्क्वायर लेकर आए थे आपको प्रूफ ये करना था आपको शो ये करना था शो दैट कहां से लाऊ एक्स अपन वाई वैल्यू पुट किया अगर इसी को ही सॉल्व करते करते अगर ये आ जाए तो हम समझ लेंगे कि ये दोनों सेम है तो हिंस देर फोर आप लिखोगे देर फोर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन एक्स फोर वाई एज अच्छा इसका इक्वेशन हमारा कुछ नाम दे दो इसका इक्वेशन नाम दे दो बोलो सिंस दिस बोथ आर सेम इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर आर सेम देर फॉर प्रूव्ड गॉट इट कैसे करना है समझ में आया ठीक है सिंपल है एक बार ट्राई करेंगे खुद से एक बार खुद से ट्राई करेंगे चलो आ जाओ इधर देखो यहां पे भी वही किया इन्होंने एक्स और वाई की वैल्यू को पुट किया और ये ला दिया ये देखो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट बस वही लिखना था एंड हेंस प्रूफ यहां पे क्या लिखोगे आंसर नहीं लिखोगे यहां पे आप लिखोगे हेंस हूफ डन एवरी मन क्लियर है ओके okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इफ एक्स इज इक्वल टू टी लॉक टी ओके वाई इज इक्ल टू टी टू दो दैट डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो गाइस सबसे इजी समय सबसे ईजी समय <clears throat> मुझे एक बात बताना तुमको स्टार्टिंग में मैंने लॉग के कुछ फॉर्मूले बताए थे आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मैंने कुछ लॉग के फॉर्मूले बताए थे लॉग ये वाला नहीं फर्स्ट में नहीं बताया था क्या अरे यार फॉर्मुलिस बताए थे ना ऐसे क्या कर रहे हो लॉ के फॉर्मूले मैंने लिखवा के दिए थे हाँ ये रहा ठीक <coughs> है ये वाला एक पार्ट पूरा ध्यान रखो एक काम हैं। ये पूरा कॉपी होता है क्या चलो ठीक है कोई ना आ जाओ इधर एक्सरसाइज आ पूरी है पूरी लेने से एक्सरसाइज प्लीज साथ साथ में सॉल्व करना ठीक है अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे ये वाले सामने एक्स क्या दिया है टी इंटू लॉक टी ये क्या दिया है वाई t टू टी टू दी ओके मुझे एक बात बताओ बस इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप कैसे करोगे बोलो कौन सा फॉर्मूला क्या लग रहा है ये बोलो एक चीज देखो इधर अगर मैं इसको लू वाई ये एक्स दिया है ये वाई दिया है. ये तो क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन में दिया है ठीक है एक मिनट रुको आ जाओ पूरा सॉल्व यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू टी इन टू लॉग टी गिवन वाई इज इक्वल टू टी टू दावर टी ओके डी वाई बाय डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ टी टू द पावर टी यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम इसको अभी याद रखो ठीक है क्या कर रहे हो बोलो टी टू द पार टी मतलब एक्स टू दार एन यस और नो यार एक काम करो ना ये तो ऐसा हो जाएगा एक्स टू द पार एक्स हो जाएगा एक्स टू द पार एक्स हो जाएगा डियर इसका हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में एक्स टू द पार एन का फॉर्मूला है लेकिन एक्स टू द पार एक्स का फॉर्मूला नहीं है गाइस यहाँ पे टी मतलब क्या है एक्स है और यहाँ पे भी टी मतलब क्या एक्स ही है ये सर नो तो अब आप क्या करोगे तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते आप टेकिंग लॉग बोधा से पहले ये टी को नीचे उतारो टेकिंग लॉग तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी टू पावर टी क्या ये एक जो पी डी है ये सामने आ जाएगी ये हो जाएगा तुम्हारा t इन लॉग ऑफ टी समझ में आ रहा है आपको अब क्या करोगे एक चीज नोटिस करो ना ये टी लॉग टी तो यहाँ दिया हुआ था एक्स इट मींस लॉग ऑफ वाई इज इक्वल डालो इक्वेशन नंबर वन लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम वन समझ में आया क्या कर रहे हैं अपन डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट बोलो शांति से क्लियर है ये पार्ट एवरी वन क्या किया सिर्फ वाई को अपन पहले लॉग किया अपन ने और जैसे ही लॉग किया तो मुझे टी t मिल गया तो कहना की x ऑब्वियसली बिकॉज देखो टी t क्या है एक्स है डन अरे बहुत बेहतरीन वाला शॉर्टकट है ये सब में बहुत बेहतरीन वाला शॉर्टकट है ठीक है नाउ ये एक पार्ट तो हो गया तुम्हारा अब, अब 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 आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे फ्रॉम वन आपको ये आ गया ठीक है नाउ वाई इज इक्वल टू कैन आई से ये जब लॉग इधर जाता है तो ये ई टू द पार एक्स कैन आई से दिस वे वाई इज इक्वल टू ई टू द पार एक्स ये बोलूँ क्या मैम कहाँ से आया hmm, से आपको पिछला पूरा बताना पड़ेगा एक सेकेंड ना एक सेकेंड रुको फॉर्मूले दिखाने तो मुझे आपको समझ में आ जाएगा अपने आप कहां पे फॉर्मूले? इसमें से ही कोई फॉर्मूले को खेल करके लाया है अब आप कुछ सोच लो किसको लेकर आए क्या बोल रही हूँ मैं इसी में से किसी फॉर्मूले को उन्होंने खेल करके लेकर आया है लॉग वाईक्वल टू एक्स है क्या था तुम्हारा लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स आया है कैसे आएगा लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स बोलो ना ये दिख रहा है अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो इधर का एक्स इधर आ जाता है मतलब अगर कैन बी राइट दिस साइड एज लॉग ऑफ ई टू द टू द पार एक्स तो ये लॉगी लॉगी ये क्या हो जाता है कैंसिल तो लॉग और लॉग कैंसिल किया तो वाई पार यू दिस पार्ट एक बार वापस से यहाँ पे ये स्टेप कैसे आ रहा है मैं बताती हूँ आपको जितने फॉर्मूले ना बोल उसी में ही खेल किया उन्होंने आपको ये पता है लॉग ऑफ e टू देश ई टू दल टू एक्स ये किया लास्ट लॉगरिथम का फॉर्मूला देखोगे तो तो आप इसके बदले में क्या लिख रहे हो लॉग ऑफ e x टू e यहाँ पे आप लिख रहे हो लॉग ऑफ y दोनों तरफ से लॉग लॉग आपने हटाया ये क्या बन गया वाई इजिकल टू ई टू द पावर एक्स गई अब समझा एवरी वन कैसे उन्होंने ये स्टेप डायरेक्टली दे दिया पार एक्स डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट बोलो ये सानिका आर्या क्लियर है ये पार्ट एवरी वन यस पक्का बढ़ू आगे फिर रिप्लाई नहीं आ रही गई मुझे दिव्या बोलो बोलो यो तो ये थोड़ी सी टेक्निक ध्यान में रखोगे अच्छा मैम हमें ये नहीं जम रहा इसका मतलब तो है, है इसका एक और शॉर्टकट बताती हूँ मतलब एक लॉन्ग कट बताती ये तो शॉर्टकट बताया मैंने आपको शॉर्टकट क्या था ये एक्चुअली बहुत ज्यादा शॉर्टकट है इसका एक लॉन्ग कट है जो बेहतरीन वाला लॉन्ग कट है ठीक है वो भी बताती हूँ आपको ये एक समझा वाई दिग्डू टू, टू द पावर एक्स हो गया ओके अब आप क्या करोगे अब आप क्या कर रहे हो ये एग्जैक्टली exactly आपने इसको इक्वेशन नंबर टू दे दिया यहीं पे आ जाओ यहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर टू दे दिया अब आप इसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड तो डी वाई अरे वाई ये आ गया है अगर ये वाई आ गया है डियर तो इसी को डी वाई बाई डी एक्स निकालना था ना तो ये लो डी वाई बाई डी एक्सिकल टू तो ई टू तो द पार एक्स और ई टू द्स मतलब क्या है वाई वाई पुट करो और ये वाई इधर जाएगा तो दिस विल बी डी वाई माइनस डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो आपको प्रूफ क्या करना था डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो आपने क्या निकाला वाई इजिकल टू ई टू द पार एक्स निकाल लिया ओके इक्वेशन वन ठीक है अभी मैं वापस तो शॉर्ट में बता रही हूं यहां तक तो समझ गया था अपन को नाउ इसी को ही अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं डीवाई बाई डी एक्स करते हैं लो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे भी डी बाई डीएक्स ऑफ ई टू द पार एक्स आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा एक्स डी बाय डी लेकिन यही इक्स तो वाई था रे मेरा यही तो वाई था वापस से लिखा फ्रॉम इक्वेशन वन तो ये हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई जैसे ही आपका ये स्टेप आया ना आपको समझ में आ जाना चाहिए ये वाई मैं माइनस लूंगा इधर तो जीरो आ जाएगा अंडरस्टूड नाउ क्लियर एवरी वन तो अब ये क्या हो जाएगा ये वाई ये वाई है ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई दिस एम्प्लाइज डी वाई of डी एक्स माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो यही तो प्रूफ करना था हूफ्ड गॉट इट एवरी वन छोटी थी टेक्निक थी बस इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को और ये दोनों क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो एग्जाम में सॉल्व करके ही जाना है ठीक है एक बार देख कर ही जाना है मॉर्निंग में उठ के ठीक है क्लियर कोई डाउट मैम एक बार वापस से आप बता दो प्लीज बिल्कुल बिल्कुल चलो आ जाओ इनका सॉल्यूशन देखेंगे अपना देखेंगे यहां से अपना था ठीक है अपन ने एक्स को छेड़ा भी नहीं अपन भी इतने शातिर है वैसे का वैसे ही रखा इसको अपन ने क्या क्या सीधा वाई इक्वल टू टी टी टू टी है टेकिंग बोथ द साइड लॉक वाई टू लॉक टी टू तुपा टी मतलब ये टी इधर आ जाएगा तो टी इन टू लॉग टी हो गया इधर लॉग वाई हो गया गई लेकिन ये लॉग टी तो ये टी लॉक टी तो हमें मालूम पड़ गया कि ये एक्स है ये देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन ओके अच्छा अब ये एक्स आ गया तो लॉग ई टू द बेस ई कर दोगे तो ये एक्स हो जाएगा तो मतलब ये ई टू तो द पावर एक्स हो जाएगा वाई इक्वल टू ई टू दो पार एक्स गई ये स्टेप में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा अब आप क्या करोगे इसको इक्वेशन नंबर टू डाल दिया इसी इक्वेशन को ही मैं सॉल्व कर रही हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स द साइड्स ठीक है वो पूरा लिखोगे वापस से बता देती हूँ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ पार एक्स गाइस ये तो ई टू दस ही आता है बॉस और ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया इक्वेशन नंबर टू से फ्रॉम इक्वेशन टू ये हो गया वाई dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई दिस इंप्लाइज डीवाई बाय डीएक्स माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो हेंस प्रूफ डन अभी क्लियर है बोलो अच्छी तरह से क्लियर है बस वो लॉग ई e वाला जो था ना अपना ये वाला पार्ट ये थोड़ा सा ध्यान रखना ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप ठीक है डन चलो जी ओके ये एक्सरसाइज भी आज हो जाती है हो जाती है चलो आ जाओ इट विल टेक रेयरली फ्यू मिनट्स ठीक है अब एक चीज आपको मैं बता दूं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें रहे वी आर स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर दिस चैप्टर नाउ इसमें क्या है आपका पता है आपको जैसे ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एफ एक्स दिया है एफ ऑफ एक्स कुछ दिया है इसका डेरिवेटिव अगर दिया होगा तो एफ ऑफ एक्स दिया होगा और इसका डबल डेरिवेटिव है तो एफ डैश डैश डबल डैश ऑफ एक्स दिया होगा ये क्या हो गया इसका डबल डेरिवेटिव वही चीज़ है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब दो बार डेरिवेटिव करो ठीक है ये तो हो गया तुम्हारा एफ़ एक्स के फॉर्म में अगर अपन को दिया है वाई इज इक्वल टू एक्स ठीक है तो अपन क्या कर रहे थे डीवाई बाई डी एक्स कर रहे हैं ये हो गया मेरा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ठीक है यहाँ तक अभी अपन ये स्टेप आता है हमें अच्छी तरह से आता है उथल पुथल सारी चीज़ें करके आ गया ये ठीक है नाउ इसका अगर वापस से डेरीवेटिव करने बोला तो तो आप क्या करोगे डी वाई डी एक्स ऑफ डीवाई बाई डी एक्स ऐसे ही करोगे ये क्या आ जाएगा तुम्हारा देखना डी डी का स्क्वायर है डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इसको ऐसे लिखोगे आप कैसे लिखोगे आप उसे बोलना जरा डी स्क्वायर वाई इंटू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और आप बोल दोगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स तो दिस विल बी योर डबल डेरिवेटिव समझ तो में आ रहा है ये है तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव करने का क्लियर है कंसेप्ट समझा यहां तक एवरी वन मैम कैसे करेंगे वो तो मैं बताती हूँ ना रुको यहां तक क्लियर है ओके okay. क्वेश्चन लेंगे फटाफट से सब समझ में आ जाएगा इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज है जैसे अपना थ्री पॉइंट फाइव था वैसा ही है ये अब फाइंड डी स्क्वेर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स दिया है वाई क्या दिया है अंडर रूट ऑफ एक्स ओके वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स सबसे पहले वाई बाई डी एक्स निकाल लो पहला डेरिवेटिव नहीं निकलेगा तो दूसरा कहां से निकलेगा मतलब ये हो गया एक्स टू दावर वन बाय टू तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन मतलब ये रहेगा वन बाई टू एक्स टू दावर वन टू क्योंकि माइनस वन बाय टू तो नीचे आ जाएगा मतलब ये रहेगा वन बाय टू रूट एक्स यस और नो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा गाइस डी वाई डी एक्स ऑफ इसका क्या हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स ठीक है अच्छा इसको टू रूट एक्स मत लिखो अभी अभी इसको ऊपर ही रहने दो उसको क्या आ रहा, रहा है उसका क्योंकि उसका एक और डेरिवेटिव करना है ना एक्स टू दर माइनस वन बाय टू आ रहा है एन एक्स एन माइनस वन मैम कुछ नहीं समझ रहा पूरा मिटाओ क्या दिया है वाई इज इक्वल टू रूट एक्स दिया डियर क्वेश्चन क्लियर है डी वाई बाई डी एक्स करोगे पहला ऑर्डर डेरिवेटिव का डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स को कहना है राइट इट आज योर क्या मैं इसको ये लिख लूँ एक्स टू द हाफ लिख लूँ एन एक्स एन माइनस वन रहेगा हाफ एक्स टू द पावर माइनस वन बाय टू ये है मेरा dy बाई डी एक्स डेड यू अंडरस्टैंड टिल हियर बेसिक सम है बेसिक सम है ठीक है dy बाई डीएक्स यहां तक आया एवरी वन ओके तो अब आप क्या करोगे वापस से लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग पहले लिखा x, अब आप लिखोगे अगेन रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आप लिखोगे फिर ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ डीवाई इक्वल टू अब इसको वापिस डिफरेंशिएट करना जरा इसी को ही वापस से डिफ्रेंशिएट करना ये हाफ हो जाएगा कांस्टेंट शॉर्टकट नहीं करते हैं प्रॉपर लिखते हैं अब आप क्या करोगे हाफ बाहर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन बाय टू करना है आपको कैसे करोगे आप इसको हाफ एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन मतलब एन एक्स एन माइनस वन कर लो क्या आता है कर लो क्या आता है ये हाफ़ तो ऐसे ही रहेगा माइनस हाफ भी आ गया ओके इंटू एक्स टू द पावर माइनस थ्री बाय टू हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन है सब में मल्टीप्लीकेशन ही चालू है तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस वन बाय दिस इक्वल टू माइनस वन बाय फोर इंटू एक्स टू द पावर थ्री बाय टू आ रहा है माइनस थ्री बाय टू ऊपर लिख दो या थ्री बाय टू नीचे लिख दो बात एक ही है उन्होंने ऊपर लिखा है और अपन इसको नीचे लिख रहे हैं डन क्लियर डिफरेंशिएशन किया उसको वापस डिफ्रेंशन करेंगे डन उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें मस्त एक्सरसाइज yes no? ये सर नो थर्ड ये सारिया समझा आपको भी बेटा आप लोगों की एग्जाम्स है बोलो फटाफट से डन चलो अच्छा अब इसका क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स टू पार फाइव इसका अगर बोधा साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा फाइव एक्स फोर इसका बोधा साइड डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यह आपका फाइव एक्स टू पार फोर अब इसका वापस से डिफ्रेंशिएशन करना है मतलब फाइव तो कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और एक्स टू दर फोर का क्या हो जाएगा फोर एक्स क्यूब फाइव फोर देंट डी ट्वेंटी एक्स क्यूब मैम आप ही करके बताओ फाइव एक्स टू द पावर फोर का डिफ्रेंसिएशन बोलो मुझे क्या आएगा सॉरी पहले है एक्स टू द पावर फाइव एक्स टू दावर फाइव मैं शॉर्ट में करती हूँ ठीक है आपके लिए शॉर्ट में करके बताती हूँ ये दिया है आपको वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फाइव एक्स टू दावर फोर आ जाएगा अब इसको वापस डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर नहीं होता है डी स्क्वायर वाई होता है ध्यान रखना थोड़ी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायेर होता है ठीक है अब ये क्या हो जाएगा फाइव तो बाहर रहेगा और ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब क्या आपका डिफरेंसिएशन ट्वेंटी एक्स क्यूब आ रहा है यस डन प्रेजेंटेशन देख रहे हो कैसे करना है मैंने आपको शॉर्टकट वैसे बताया मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन बताया क्लियर है चलो एक्स टू दावर माइनस सेवन दिया है तो क्या हो जाएगा माइनस सेवन दिया है, क्या हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन मतलब माइनस सेवन इंटू एक्स टू दावर माइनस एट इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेवन तो बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस एट को अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा माइनस सेवन और ये क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन मतलब माइनस सेवन इंटू माइनस एट इंटू एक्स टू द पावर माइनस नाइन ट 56 पॉजिटिव आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 56 सिक्स अपॉन एक्स टू दाइनस नाइन आ रहा है सिंपल है यार बच्चों वाला क्वेश्चन है पूरा डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मैं वापस से कर देना डन तुम लोग बोले मैम एक्सरसाइज 3.3 से तो सबसे डेंजर कुछ नहीं था एक्चुअली 3.3 पॉइंट थ्री इज वेरी डेंजर तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल है बाकी सब ईजी है अब इसको क्या करोगे यार ई टू द पावर एक्स है क्या वापस से करोगे तो भी ई टी टू द पावर एक्स ही तो आएगा चलो इसको करो इसको करो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर u क्या हो जाएगा ई टू द पावर u मतलब टू एक्स प्लस वन और जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशियट करो d बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस वन ठीक है ये हो जाएगा तुम्हारा ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन और ये हो जाएगा तुम्हारा टू एक्स का हो जाएगा टू और इसका हो जाएगा ज़ीरो तो मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा टू इन टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन ये है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स ठीक है अब इसको वापस से करना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करूंगी तो ये होगा इसको वापस से करना है तो क्या हो जाएगा टू तो कॉमन निकलेगा अब डी dx डी वापस से e टू द पावर टू एक्स प्लस वन करना है अब क्या हो जाएगा अब देखो इसको आपने वापस से इसी को ही तो डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है आपका इसी को ही तो डिफ्रेंशिएशन किया है देख रहे हो क्या इसी का डिफ्रेंसिएशन ये पूरा आता है मतलब ये आता है डायरेक्ट आंसर यस सर नो क्या बोल रही हूँ मैं इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली ये आता है तो फिर ये वही तो आ गया है तो अगर मैं शॉर्ट में पुट कर दूँ वैल्यू तो ये हो जाएगा टू 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 दावर टू एक्स प्लस वन जगह तुम्हारा फोर इ टू द पावर एक्स टू टू द फोर इक्स प्लस आप प्रॉपरली उनको दो बार सॉल्व करके दिखाओगे ठीक है सेम प्रोसीजर सेम प्रोसीजर आप ये रिपीटेड स्टेप करोगे रिपीटेड स्टेप मैंने कैंसिल कर दिया मतलब रिपीटेड स्टेप मैंने नहीं किया मैंने डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन ले लिया समझ में आया हूं? ये सी एक्सरसाइज बहुत ईजी है समझ में आ रहा है आर्या डन पूरा सॉल्यूशन दिखा दो इसका ये लो इस तरह से सॉल्व करोगे पहले करोगे ये आएगा फिर वापस से सेम पार्ट ये जो है ना ये पार्ट मैंने स्किप किया मैंने डायरेक्टली इसका आंसर ले लिया था आपको पूरा दिखाना है इट द पार यू इट इू इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू जिसको यूलो वापस डिफ्रेंशिएट करने का तो चलो बड़े आगे मस्त एक्सरसाइज है ना लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, गाइस। लास्ट क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग एक्स ओहो चलो खुद से करो खुद से करो वाई इज इक्वल टू द पावर लॉग ऑफ एक्स कैसे करोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टू द पावर लॉग ऑफ एक्स तो इसको मैंने यू ले लिया किसको यू लिया इसको यू ले लिया तो ये मेरा हो जाएगा ई टू द पावर लॉग एक्स ठीक है ई टू द पावर दॉग एक्स ट्राई करते हैं देखते हैं कुछ होता है तो नहीं तो फिर इन टू डी बाई डीएक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा वन बाय एक्स हो जाएगा यस और नो जिसको तुमने यू लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा ये वन बाय एक्स हो जाएगा ये है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स और तेरे अब वापस से इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क् करना है मतलब वापस इस पूरे को डी बाई डी एक्स करना है तब तो ये यू वी रूल लग जाएगा बहुत डेंजर आ रहा है इसका एक शॉर्टकट है जब शॉर्टकट बताने का टाइम आ गया है ठीक है एक प्यारा सा शॉर्टकट है आप लोगों को ऑलरेडी ये पता है कि ए टू मिनट ये कितना होता है एक्स होता है लॉग ए बेस ए एक्स होता है बोलो गई ये वही है ना जो मैंने अभी आपको बताया था याद है क्या ये वाई इक्वल टू एक्स यहाँ पे क्या दिया है वाई इज इक्वल टू ई लॉग ऑफ एक्स ओके इतना लंबा चौड़ा दिया है ठीक है अब आप क्या करोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड से करना है वैसे कर लो या फिर डायरेक्टली शॉर्टकट कर दो कि भाई ये जो हो जाएगा ये डायरेक्टली एक्स हो जाएगा ई लॉग डायरेक्टली एक्स हो जाएगा तो वाई इक्वल टू ई एक्स हो जाएगा ठीक है बाय दिस फॉर्मूला अब इसको डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो ये वन आ जाएगा और वापस डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो ये जो कॉन्सेंट है इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा समझ में आया क्या एवरी वन स्टैंड जो बेसिक फॉर्मूले थे जो पांच बेसिक फॉर्मूले थे ए इन टू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी ए अपॉन बी लॉग ए माइनस लॉग बी उसके बाद में क्या था तुम्हारा लॉग ई वन लॉग ऑफ ए बेस ए वन उसके बाद में एक ये वाला था ठीक है मतलब ये ऐसा था डियर अगर यहाँ पे आपको बनाना है तो लॉग ऑफ ई बेस ई टू द पावर एक्स ठीक है तो ये क्या हो जाएगा x अगर इसको और सॉल्व करना है तो वी कैन टू द पार लॉग ऑफ x ठीक है लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e टू दॉग ऑफ बहुत डेंजर बन जाएगा उससे बेटर है डायरेक्टली फॉर्मूले से ही अगर आपने लर्न कर लिया तो हो जाएगा फिर भी चलो आ जाओ ये सामने आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ ई लॉग ऑफ ई क्या हो जाएगा वन होता है ये तो पता है अरे यार अब ये तो पता है ना अभी ये इतना डेंजर वाला नहीं पता तो अभी मैं सिंपल वाला बता रही हूँ ये तो बोलो ये पता है आप लोगों को लॉग ऑफ ई वन होता है लॉग ऑफ ई बोला मतलब बेस का उसका ई e ही है ये तो पता है समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं ये नहीं करवा रही हूँ मैं आपको इस स्टेप से नहीं करवा रही हूँ वापस से लिया मैंने आपके लिए वापस से लॉग लिया दोनों साइड अब ये वन हो गया अब ये लॉग ऑफ एक्स यहाँ पे लॉग ऑफ वाई हटाओ दोनों साइड से लॉग वाई इज इक्वल टू तो एक्स अब तो आया वाई इक्वल टू एक्स अब डिफरेंशिएट करो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आ जाता है वन तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपका वन और वापस से डिफरेंशिएट करूँगी ना अगर मैं इस वन को तो जीरो आएगा डन तो यू हैव बोथ द मेथड डायरेक्ट शॉर्टकट करो और रिल्स अपना ये लॉग 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 लेके चलते चलो क्लियर एवरी वन तो हैव फिनिश योर एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स ऑल्सो चलो एक बार मुझे फटाफट से बता दो ये सारिया क्लियर यस और नो समझ में आया बेटा कैसे किया अपन ने यस yes. डिफ्रेंसीशन खत्म ठीक है बिल्कुल तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइज हियर वी हैड हैड कमिटेड फुलफिल माई फुलफिल माई कमिटमेंट कि पूरा आपका डिफ्रेंसीशन फिनिश करवाया नाउ अब आपसे एक रिक्वेस्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि रिपीटेड सम्स है ठीक है देख के डर जाओगे ऑलरेडी मैंने वैसे सम्स करवाए हैं एक्सरसाइज में प्लीज चेक इट आउट एंड इन केस ऑफ एनी डाउट डू लेट मी नो अपन वही वही क्वेश्चन मैं आपको वापस से आके लेक्चर्स में करवा दूंगी ठीक है तो ये अब आपका होमवर्क है तुम डाउट बताओगे तो मैं वो सॉल्व करवाऊंगी देखो ना यार नहीं कर सकते हो इसको सॉल्व बताना मुझे नहीं कर सकते हो इस पूरे को यू ले लो यू टू दिन और जिसको यू लिया उस वापस को डिफरेंशियट करो पूरे को कर सकते हैं ना यार बहुत सिंपल है ठीक है ठीक है, ओके तो ये वाला क्वेश्चन से एक्सरसाइज आपको करना है ठीक है और उसके बाद में जो भी डाउट्स होगा डू लेट मी नो ठीक है चलो भाई सो तो तब तक के लिए अलविदा येस बाय एवरी वन टेक केयर विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डिफरेंसेशन फॉर योर एग्जाम्स ठीक है दो दू आर हैविंग योर एग्जाम्स विश यू ऑल द बेस्ट योर अच्छी तरह से दो शांति से करो जो जो पार्ट टेक्निकल है उसको स्टार मार्क करो एस एस मार्क करो जो मार्किंग करनी है करो और उसे एग्जाम के एक दिन मॉर्निंग में मतलब जिस दिन एग्जाम है अभी दस बजे एग्जाम है तो सुबह उठ के एक बार चेकआउट कर लो वो स्टेप एटलीस्ट चेकआउट कर लो ठीक है चलो जी बाय बाय टेक केयर